राम राम किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों की गहरी जुताई के बारे में। गर्मियों की गहरी जुताई के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, कब करें, किससे करें और कैसे करें, सबकी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे गर्मियों की गहरी जुताई के बारे में। ये जुताई कब की जाती है? जब रबी की फसलों की कटाई हो जाती है, जैसे कि मान लो गेहूं की कटाई हो गई, धनिया की कटाई हो गई, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। और गहरी जुताई हम मॉल्ड बॉर्ड प्लाव, जो एक तरीके से जिसको हम मोर प्लावर के नाम से जानते हैं देसी भाषा में, और इस मोर प्लावर से जब हम जुताई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जुताई होती है, करीबन 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। अब इससे होता क्या है कि जो नीचे की मिट्टी है वो उलटकर ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, जिसके कहीं ज़्यादा फायदे हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में स्टेप बाई स्टेप हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समय कि गर्मियों की जो गहरी जुताई है ये कब करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रबी की फसलों की कटाई होने के बाद अगर तुरंत बाद करोगे ना तो आपको फायदा है, कैसे, खेत में नमी बनी रहती है और जुताई आसानी से हो जाती है। और अगर लेट करोगे तो वो जुताई जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा, ट्रैक्टर से जब आप जुताई करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है और इतने मोटे मोटे ढेले निकलना चाहिए, है ना, मतलब मिट्टी आपकी उलट पलट होना चाहिए। तो हम कब करेंगे, तो याद रखना अप्रैल में आप कर सकते हो, मई में आप कर सकते हो, जून तक आप कर सकते हो। कहने का मतलब है बारिश आने के पहले पहले आपको ये जुताई करनी है। ऐसा क्यों करेंगे, जब हम गर्मियों में जुताई करेंगे, आप जानते हो कि मई जून का महीना काफ़ी ज़्यादा तपता है, गर्म महीना होता है, तो जब हम गहरी जुताई करते हैं तो नीचे जितने भी आपके जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, इंसेक्ट, कीट, जितने भी है वो सारे के सारे उस तेज धूप में मर जाते हैं। और मरने से क्या होगा, आपको फायदा होगा, अगली फसलों में वो कीट नहीं लगेंगे, जो खरपतवार हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। कहीं सारे फायदे हैं, डिटेल में जानेंगे मोटे मोटे तौर पे। तो देखो, इसके अलावा उपकरण जो गहरी जुताई हैं इसको हम किसके द्वारा करते हैं, इस हल को बोलते हैं मॉल्ड बोर्ड प्लाव, जिसको MB प्लाव के नाम से जानते हैं और देसी भाषा में इसको मोर प्लावर भी बोलते हैं। तो मोर प्लावर से हमें क्या करनी है, जुताई करनी है। आगे देखेंगे इसके क्या क्या लाभ हैं। अगर गर्मियों में आप गहरी जुताई करोगे तो इससे क्या लाभ आपको होने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना। अगर आप किसान हो तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है और इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो लाभ, पहला लाभ क्या है, देखो भौतिक गुणों में सुधार होता है। भौतिक गुणों का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपके क्या है, मृदा है, और जब मृदा में आप गहरी जुताई करोगे तो इससे क्या होता है, जो मृदा की संरचना है उसमें बदलाव आएगा। कैसा बदलाव आएगा, अरे बदलाव कुछ इस प्रकार आएगा कि नीचे वाली मिट्टी ऊपर चली जाएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाएगी, जिससे भौतिक सुधार होगा। भौतिक सुधार का मतलब ये है, इनके बीच में छोटे छोटे रंध्र आप देख पा रहे हो, अरे ये रंध्र बढ़ेंगे और जब ये रंध्र बढ़ेंगे तो इनमें वायु का संचार अच्छे से होगा, इसके अलावा जल भी अच्छे से भरेगा तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी, इसके अलावा वायु संचार बढ़ेगा, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से होगा, और जो मिट्टी है उसके कण जब मोटे मोटे, आप जब गहरी जुताई करोगे ना स्टार्टिंग में तो इतने मोटे मोटे ढेले निकलेंगे, और जैसे धीरे धीरे बारिश गिरेगी, बारिश का पानी नीचे गिरेगा, ये ढेले टूट टूट कर छोटे हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो भौतिक गुण है मृदा के, इनमें सुधार होगा, आपका पौधा अच्छे से उगेगा, जड़ों का जमाव अच्छे से हो पाएगा। तो देखो भौतिक सुधार होता है। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आप देखो, खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवार आप जानते हो, अरे किसान हम क्या करते हैं, किसान क्या करता है कि जैसे मान लो कोई फसल उगाई और फसल के साथ साथ
कई सारे बिना उगाए पौधे उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं खरपतवार, जो कभी भी उग जाएंगे, किसी भी समय उग जाएंगे, जिनको किसान नहीं उगाता है उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण होता है, इससे कैसे नियंत्रण होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कुछ बहुवर्षीय खरपतवार है, जैसे कि कांस है, मोथा है, और आपको बता दूं कि ये जो खरपतवार होते हैं ना, इनकी जड़ें अधिक गहराई में होती है, और जब जड़ें अधिक गहराई में होती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जुताई करते हैं बार बार, और जिससे क्या होता है, ये जड़ें मान लो यहाँ से टूट गई, ऊपर वाला उखड़ गया, बट नीचे की जड़ें जमीन में बनी रहती है, और जैसे ही पानी मिलेगा इससे वापस खरपतवार का पौधा बनने लग जाता है। बट गहरी जुताई करने से क्या होगा, अरे डायरेक्ट इतनी गहरी होती है कि इसको उखाड़ कर ऊपर पटक देता है जो ये हल होता है, ठीक है। और ऐसा होने से क्या होगा, जड़ें ऊपर आ जाएगी, और गर्मियों में तेज धूप में जब वो तपेगी तो नष्ट हो जाती है, तो खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, जो खरपतवार के बीज होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है खरपतवार नियंत्रण भी होता है। और आपको बता दूं किसान भाइयों, होता क्या है कि जब हम फसल उगाते हैं तो हमारी फसल के अंदर, भारत के अंदर 30-35% कितना, 30-35% जो उत्पादन में कमी आती है, जो नुकसान होता है ना, वो खरपतवार की वजह से सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में तो वैसे ही काफी ज्यादा खरपतवार उगते हैं, तो इसीलिए हमें गहरी जुताई करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला लाभ क्या है, अगला लाभ है कीटों से बचाओ। कीटों से बचाओ का क्या मतलब है, अरे आपने देखा होगा कि जो कीट हैं हमारे पौधे पे लगते हैं, और पौधे से उनके जो जीवाणु हैं, छोटे छोटे बीज हैं, वो नीचे जमीन में गिर जाते हैं, और जमीन में गिरेंगे तो जमीन में बने रहेंगे, और जैसे उनके अनुकूल वातावरण होगा वो कीट वापस अपनी ग्रोथ वृद्धि पकड़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम गहरी जुताई करेंगे, मान लो यहाँ पर कीट हैं, अब ये कीट हैं, जीवाणु हैं, बीजाणु हैं, तो ये ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ऊपर आएंगे तो तपती धूप में जो हमारे सूर्य भगवान हैं इनको तपा तपा कर मार देंगे। अब गर्मी तो आप देख पा रहे हो इंसानों की हालत क्या हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सबसे अच्छा मौका है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो गहरी जुताई करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं और लाभ है। तो देखो कीटों से बचाव हो गया, इसके अलावा अगला देखो वायु संचार अच्छे से होता है। अभी बताया ना मैंने आपको कि गहरी जुताई करेंगे तो इस तरीके से हमारा भौतिक सुधार होगा मिट्टी का, और इनके बीच में, इन कणों के बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान आप देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं रंध्र, और जिनमें क्या बढ़ता है, जल बढ़ता है, जिनमें क्या बढ़ती है, वायु बढ़ती है, और ये हमारी फसल की जो जड़ें हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो हमें क्या करना है, एक तरीके से वायु संचार भी बढ़ेगा जिससे हमें हमारी फसलों में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जो जड़ें हैं पोषक तत्वों को अच्छे से ले पाएगी, और जड़ें भी इनके अंदर अच्छे से फैल पाएगी, इस बात को आप जानते हो, तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। अगला देखो, अगला लाभ क्या होने वाला है, जल अवशोषण क्षमता बढ़ेगी। अरे कैसे बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ये रंध्र हैं, रंध्र हो गए बहुत मोटे मोटे, इतनी गहरी जुताई आपने कर दी, जब बारिश का पानी आएगा ना, जब बारिश का पानी आएगा तो पानी इन रिक्त स्थानों में जमा हो जाएगा, जैसा मैंने बताया कि जल भरता है, और मान लो रिक्त स्थान है ही नहीं तो जल भरेगा ही नहीं, और जल हमारे लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है एक पौधे के लिए, जिनको जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो हमारी जमीन की जो जल धारण करने की क्षमता है, इसमें भी क्या होगा, विकास होगा। तो ये गर्मियों की जुताई काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है एक किसान के लिए और एक खेत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला लाभ हम देखेंगे, अगला लाभ देखो, जड़ विकास में सहायक। मैंने बताया आपको कि गहरी जुताई करने से इन जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है। अब ध्यान देना और समझना, अगले पॉइंट में आपको समझाने वाला हूं मैंने क्या कहा कि ये जो जड़ें हैं इनका विकास, मान लो कुछ फसलें ऐसी होती है जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी होती है, अब बार बार मान लो हम यहां जुताई कर रहे हैं नॉर्मल इस लेवल पे, तो जड़ें तो नीचे जमीन में नहीं जा पा रही, क्यों, क्योंकि जब बार बार जुताई करते हैं, कल्टीवेटर घूमता है, ट्रैक्टर घूमता है, तो ये मिट्टी की परत जो है काफी ज्यादा कठिन हो जाती है, और इस परत को छेद करके, मतलब नीचे जड़ें नहीं जा पाती, अगर गहरी जुताई करेंगे तो ये परत टूट जाती है, और टूट जाने से हमारी फसलों की जो जड़ें होगी वो अच्छे से नीचे गहराई में जाएगी, और नीचे जो पोषक तत्व जमा हैं जो हमारी फसलों ने नहीं लिए हैं इनको इन जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला आता है रासायनिक उर्वरकों का खनिजीकरण। अच्छा इसका क्या मतलब है, यहाँ जो समझाया वापस समझना बड़े ध्यान से, चलिए थोड़ा यहाँ हम समझते हैं, ध्यान दीजिए।
रासायनिक उर्वरकों का खनिजीकरण यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम गहरी जुताई करते हैं, ठीक है, या गहरी जुताई के पहले नॉर्मल जुताई हम करते हैं, तो उसके पहले आप जानते हो कि यूरिया, डीएपी, कई सारे खाद हम हमारे खेत में डालते हैं, उसके पहले जो फसल हमने उगाई उसमें भी डालते हैं। अब वो फसलें उस पूरे उर्वरक को ग्रहण नहीं कर पाती, तो क्या होता है, पानी जब हम जमीन में छोड़ते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उर्वरक पानी में घुल कर इस परत से नीचे यहाँ इस जगह पे चले जाते हैं, उर्वरक इस जगह पे चले गए और हमारी जमीन में करीबन करीबन 50-60% जो उर्वरक के पोषक तत्व हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और ये हम जुताई यहीं तक करते हैं। मान लो यहाँ से जुताई की, तो जुताई हमने यहीं तक की, अब यहाँ क्या है, कठोर परत बन जाती है, तो क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं इस तक यहाँ तक ही आ पाती है और बेचारे पोषक तत्व ऐसे कैसे बने रहते हैं और इनको फसलें नहीं ले पाती। जब हम गहरी जुताई करेंगे तो क्या होगा, ये मिट्टी उलटकर ऊपर आ जाती है और ये नीचे चली जाती है, तो पोषक तत्व ऊपर आ गए और पौधे की जड़ें इसको ग्रहण कर लेती है, तो अगली फसल में कम उर्वरक आपको डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50-60% आपके जो पोषक तत्व हैं जमीन में पहले से उपलब्ध हैं, बट उन्हें फसलें नहीं ले पा रही। कारण क्या है, क्योंकि अधिक गहराई में है। लेकिन जब हम गहरी जुताई करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, मृदा में घुलेंगे, जल में घुलेंगे और जड़ों के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गर्मियों का मौका है, चूकना मत, गहरी जुताई जरूर कर लेना, क्योंकि इसका लाभ आपको मिलेगा, नुकसान में आप नहीं रहोगे। अगला पॉइंट देखो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उपज में वृद्धि होती है जब गहरी जुताई करोगे। यार एक बात बताओ, खरपतवार नियंत्रण हो गया, भौतिक गुणों में सुधार हो गया, कीटों का नियंत्रण हो गया, वायु संचार बढ़ा, जल अवशोषण क्षमता बढ़ी, जड़ों में विकास में सहायक हुआ, रासायनिक उर्वरक आपको मिल गए, उसका फायदा नहीं होगा क्या? फायदा होगा क्या? करीबन करीबन 10-20% उत्पादन में वृद्धि होती है और ये उत्पादन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका इसका खर्चा तो निकल ही जाएगा। इसीलिए गहरी जुताई करना अनिवार्य है और हमें गर्मियों के अंदर गहरी जुताई करना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे लाभ हैं जो मैंने आपको एक एक करके बताए। ये तो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे लाभ हो सकते हैं, बट आपने मोटे मोटे तौर पर समझ लिया कि क्या होता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।